एक गांव में बाबा जी आए थे, तो सभी गांव वालों ने बाबा जी को बहुत नाम सुना हुआ था, तो सभी गांव वाले बाबा जी के पास आए और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बाबा जी सभी लोगों के समस्या का समाधान देते, लेकिन रोज अपनी अपनी समस्या का समाधान लेने के बावजूद लोग एक ही समस्या को बार बार बाबा जी के पास लेके आ रहे थे। तो बाबा जी ने मन में सोचा कि ऐसा कैसे चलेगा, लोग एक ही समस्या को लेकर दुखी हैं। तो बाबा जी ने सभी गांव वालों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया और सभी को एक मजेदार सा चुटकुला सुनाया। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बाबा जी ने अगले दिन बुलाया सबको, उसी पेड़ के नीचे सेम चुटकुला सुनाया, तो उसमें से कुछ लोग ही हंसे। तो बाबा जी ने तीसरे दिन फिर सबको उसी पेड़ के नीचे बुलाया, सेम चुटकुला सुनाया, तो उसमें से कोई नहीं हंसा। तो बाबा जी ने पूछा कि ऐसा कैसे चलेगा, अगर आप नहीं हंसोगे तो चुटकुला सुनाने में मजा नहीं आएगा। तो सभी गांव वाले ने बोला, बाबा जी आप रोज रोज एक ही चुटकुला सुनाते हैं तो हंसी कैसे आएगी। तो बाबा जी ने कहा, आप एक ही चुटकुला पे रोज रोज हंस नहीं सकते, तो एक ही दुख पर रोज रोज दुखी क्यों होते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता से मुक्ति रहना चाहिए, चिंता से मुक्त रहें, जीवन में स्वस्थ रहें। धन्यवाद।